देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कॉमेडी सर्कस है। उनको ललित मोदी की इतनी अच्छी फोटो है वो नहीं दिख रही है, विजय माल्या चश्मा पहन के चिढ़ाता रहता है वो नहीं दिख रहा है, तो उनको ये नहीं दिखता कि जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देश को लूट के बाहर बैठे हुए हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, उनको सत्येन जैन दिख रहे हैं, सत्येन जैन की पत्नी से पूछताछ करेंगे, आम आदमी पार्टी वालों को गिरफ्तार करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप खाने पीने के सामानों पे कैसे जीएसटी लगा सकते हैं? आजादी के बाद पहली बार हो रहा है आटे पे चाटा मार दिया आपने, ये तो गलत बात है। सर, जीएसटी हाइक को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और क्या किस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी इस बार कांग्रेस? सवाल जीएसटी का नहीं, सवाल महंगाई का है। आप आटा, दाल, चावल, बच्चों के दूध, आम आदमी का दही और लस्सी, और तो छोड़िए बैंकों की चेकबुक, मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं। तो जो घर में सबसे गरीब उसी को लगा के लूट लो उसका और पहुंचा दो, हम दो हमारे दो की झोली में। आज इसीलिए कांग्रेस ने धरना भी दिया था, 267 में नोटिस भी थी, और हम लोगों ने कहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। नतीजे के तौर पे मोदी सरकार सुनना नहीं चाहती है, इसलिए सदन स्थगित। ज्वाइंट अपोजिशन जिस तरह से विरोध कर रहा है जीएसटी और अदर इश्यूज के लेकर, क्या आप लोगों क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे? देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सदन के अंदर हमारी बात सुनी जाए। जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज है, आपने खाने की चीजें महंगी कर दी। आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। हमने यहां भी प्रदर्शन किया और हम सदन के अंदर भी आवाज उठा रहे थे, तब तक स्थगित कर दिया गया। देखते हैं, 2 बजे से फिर कहा गया है सदन शुरू होगा। हम लगातार फिर आम आदमी की, गरीबों की आवाज उठाएंगे। अनाजों पर जो टैक्स लगाया गया है, महंगाई बढ़ाई गई है, उसके खिलाफ लगातार मुखर रहेंगे। सर, जिस तरह से अपोजिशन, ज्वाइंट अपोजिशन जीएसटी और बाकी सारे मुद्दों को लेकर उठा रहा है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और क्या है? अब ये स्ट्रेटजी लगातार जारी रहेगी जब तक गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार न हो। और क्या आप घेरना चाहेगी एसपी? देखिए, ऐसा है कि इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं। अब बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया। घर पहले ही महंगाई आसमान को छू रही थी, पहले ही लोग गाना फिर गाने लगे थे कि महंगाई डायन मारे जाते हैं। अब देखिए, आप जो भी पैकेज है, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे तेल हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अंडर जीएसटी। 5% बढ़ा दी खाने पीने, जब ये भूखों मार डालेंगे इस तरीके से, तो अब इससे ज्यादा क्या? जब आदमी भूखों मरने की नौबत आ जाए तो प्रायोरिटी तो वही। इसलिए तब तक मुझे ऐसा लगता है हाउस का रुख ऐसा है विपक्ष का, पार्लियामेंट नहीं चल सकता अगर गवर्नमेंट नहीं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार।